Good morning, class first students. Welcome back to your GK classes, that is general knowledge classes. ठीक है, general knowledge classes में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? हम लोग पढ़ते हैं सामान्य अध्ययन के बारे में, जो हमें चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है, normal चीजें होती हैं, मुझे सबको पता होती है. चलो, तो आज हम लोग general knowledge में क्या पढ़ने वाले हैं? एक ऐसा chapter जिसमें हम लोग पढ़ेंगे about the opposites. ऑपोजिट्स को हिंदी में किस नाम से जानते हो? विपरीत शब्दों के नाम से जानते हो. ठीक है, विलोम शब्दों के नाम से. उसका मतलब क्या होता है? उल्टा. ठीक है, किसी भी वर्ड के अगर हम लोग उसके उल्टे की बात करते हैं, उल्टा वर्ड मतलब कि जो भी, अगर हमने बोला डे, दिन, तो उसके उल्टा क्या हो जाता है? रात. ठीक है, तो दिन रात आपस में क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स है. तो हम लोग यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. कौन सा आएगा आपका? चैप्टर नंबर 32 है. पेज नंबर कहाँ आएंगे आपको? 4141 पेज नंबर पे सारे बच्चे कमेंट करेंगे. वहाँ पे आपको है 32 चैप्टर है आपका, जिसका नेम है OPPOSITES ऑपोजिट्स. ठीक है, ATTRACTS अट्रैक्ट. चलो, 41 पेज नंबर पे नंबर सारे चार है. चलो, क्या लिखा है यहाँ पे? अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ मीनिंग अपोज टू द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड इज कॉल्ड इट्स ऑपोजिट. तो एक ऐसा शब्द जो कि उसी शब्द के उल्टे शब्द के बारे में बताता है, जैसे कि डे का हम लोग विपरीतार्थक शब्द नाइट के नाम से जानते हैं, दिन का उल्टा क्या हो गया? रात. तो वो क्या हो गया? ऑपोजिट वर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं. फॉर ईच वर्ड इन द लेफ्ट फाइंड द ऑपोजिट एंड कलर द सर्कल टू मैच. तो देखो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग लिखा है. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है. यहाँ पे कितने ऑप्शन है? ए बी सी डी ई एफ. यहाँ पे 6 ऑप्शन है. ठीक है, तो इन ऑप्शंस को आपको इसके ऑपोजिट वर्ड्स के साथ में मैच करना है. चलो हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट वन. पहले में क्या लिखा है? डे, डी ए वाई डे. चलो, डी ए वाई डे मतलब क्या होता है? डी ए वाई डे मतलब होता है डे. ठीक है, डे को हम लोग हिंदी में दिन के नाम से जानते हैं. जैसे कि दिन में आप लोग क्या क्या काम करते हो? जब दोपहर का वक्त होता है ना, जब सन आपको दिखता है स्काई में, है ना, सूर्य दिखता है, तो वो दिन का समय होता है. जैसे दिन में आप पढ़ाई करते हो, है ना, टेलीविजन भी देख सकते हो, कभी गेम भी खेल सकते हो, है ना, ऐसा अपना कोई भी काम कर सकते हो. तो डे का ऑपोजिट क्या हो जाता है? रात. रात को हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? NIGHT नाइट. NIGHT नाइट मतलब क्या होता है? रात. रात को हम क्या करते हैं? सोते हैं, अपने आप को रेस्ट. तो डे का ऑप्शन क्या हो गया? नाइट. तो देखो ये है डे और ये यहाँ पे क्या लिखा है? नाइट. आप डे को नाइट से मैच करोगे एंड विथ स्केल. ठीक है, ताकि आपका जो लाइन है वो गलत हो जाए. चलो सेकेंड नंबर पे क्या लिखा है? HOT हॉट. हॉट मतलब क्या होता है? गर्म. ठीक है, HOT को हॉट हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट. और हॉट मतलब क्या होता है? गर्म. अच्छा, गर्म का उल्टा क्या हो जाएगा? ठंडा, है ना. जैसे आपको कभी गर्म खाना मिलता है खाने को, कभी कभार ठंडा खाना मिलता है. ठीक है, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ना, दूध हो गया, ये सब क्या होता है? गर्म होता है. और वहीं पर अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं ना, और आइसक्रीम की बात कर लें, या फिर पानी की बात कर लें, जो ठंडा पानी होता है, वो सब क्या होता है? कोल्ड होता है. तो गर्म का ऑपोजिट क्या हो जाता है? ठंडा. तो ठंडा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं COLD, कोल्ड. कोल्ड कहाँ पे लिखा है? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए. तो अब हॉट को किसे मैच करोगे? कोल्ड. थर्ड नंबर पे आ जाओ. थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? हार्ड. HARD हार्ड. हार्ड मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, कोई ऐसी मजबूत चीज जो आसानी से ना टूटे. ठीक है, बहुत ही टफ चीज़, है ना, कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ को हम लोग हार देते हैं, सख्त चीज़ को. चलो, अच्छा, इसका ऑप्शन क्या हो गया? कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग जल्दी से तोड़
दे, है ना, बहुत सॉफ्ट हो, मुलायम हो, कोमल हो. हार्ड का ऑप्शन क्या हो गया? एस ओ एफ टी, एस ओ एफ टी, सॉफ्ट. हार्ड का ऑप्शन क्या हो गया? सॉफ्ट. तो देखो तुम्हारी कॉपी में, तुम्हारे बुक में कहाँ पे लिखा है सॉफ्ट? ये देखो पिलो बजा है. पिलो क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट. तो एस ओ एफ टी क्या हो गया? सॉफ्ट. चलो फोर्थ नंबर पे क्या है? बेड. बी आई जी बेड. बेड मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा. तो देखो यहाँ पे जो ट्री बना हुआ है ये क्या है? वेरी बिग है, बहुत बड़ा है. अच्छा बड़े का ऑपोजिट क्या हो गया हिंदी में? छोटा. ठीक है, तो स्मॉल कहाँ पे लिखा है? एस एम ए डबल एल, स्मॉल. छोटे को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मॉल. तो बिग का ऑपोजिट एस एम ए डबल एल, स्मॉल. तो बिग को किसे मिलाओगे? ये है बिग, इसको किसे मैच करोगे? स्मॉल से. ठीक है, ये बिग प्लांट है, बहुत बड़ा पेड़ है, ट्री है, और ये स्मॉल ट्री है. तो बड़े का ऑपोजिट छोटा. चलो फिफ्थ नंबर पे क्या बनाया? यूपी लिखा है अप. अप मतलब होता है ऊपर की तरफ. देखो एरो में किधर बना है? ऊपर की तरफ. ऊपर का ऑपोजिट नीचे, अप का ऑपोजिट डाउन. ऊपर को हम लोग इंग्लिश में अप बोलते हैं और डाउन को नीचे बोलते हैं. तो नीचे की तरफ एरो देखिए यहाँ पे बना है, और यहाँ पे क्या लिखा है? डी ओ डब्ल्यू एम डाउन. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आपको किससे मैच करोगे? डी ओ डब्ल्यू एम डाउन से. चलो ऊपर को किससे मैच करोगे? नीचे से, ऊपर नीचे. चलो अब यहाँ पे आ जाओ सिक्स्थ में. सिक्स्थ में क्या लिखा है? आर आई जी एस टी, राइट. आर आई जी एस टी, राइट मतलब क्या होता है? सही, है ना. कोई भी चीज जब हमें सही होती है तो हम उसके आगे कौन सा मार्क लगाते हैं? टिक मार्क. ऐसे ये क्या होता है? टिक मार्क. ये क्या होता है? राइट. हम लोग इसको क्या समझते हैं? कि हाँ भाई ये सही है, राइट इज सही है, आर आई जी एस टी, राइट. लेकिन अगर हम लोग इसी के उल्टे शब्द की बात करते हैं, हाँ भाई कोई चीज सही है, अगर सही है तो ठीक है, और नहीं अगर सही है तो क्या होगी? वो गलत होगी, है ना. तो राइट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग. क्या लिखोगे? डब्ल्यू आर ओ एन जी, रॉन्ग. राइट का ऑपोजिट रॉन्ग, और रॉन्ग को आप किस सिंबल से इंडिकेट करते हो? ऐसे क्रॉस के सिंबल से. तो देखो यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बना है, यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू आर ओ एन जी, रॉन्ग. तो राइट का ऑपोजिट क्या हो गया? रॉन्ग. तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया. अब फैक्ट फाइव पढ़ लीजिए क्या लिखा है. द ऑपोजिट ऑफ फैक्ट इज फिक्शन. इसको भी लिख लेंगे कॉपी में, सबको लिखेंगे. एफ ए सी टी. फैक्ट का ऑपोजिट क्या हो जाता है? एफ आई सी टी, टी आई ओ एन, फिक्शन. एफ ए सी टी, फैक्ट. फैक्ट मतलब क्या होता है? सत्य घटना. ठीक है, ऐसी घटना जो सही बीती हुई है, जो सत्य पर आधारित है. और उसी का ऑपोजिट क्या हो जाता है? एफ आई सी टी आई ओ एन, फिक्शन. फिक्शन मतलब कोई ऐसी घटना जो कि काल्पनिक है, जो कि मनगढ़ंत कहानी है, जिसका कि कोई सच्चाई नहीं है. ठीक है, जब आप टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हो तो कुछ सीरियल्स ऐसे होते हैं जो कि फैक्ट बेस्ड होते हैं, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होते हैं. लेकिन कुछ टीवी सीरियल्स ऐसे होते हैं जो फिक्शन बेस्ड होते हैं, जो कि राइटर ने सिर्फ अपने मन से बना दी है, उसकी कोई भी वो सही घटना नहीं है. तो फैक्ट का ऑपोजिट भी आपको लर्न करना पड़ेगा. उसको क्या बोलोगे? फैक्ट का ऑपोजिट क्या हो गया? फिक्शन. चलो तो यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या समझा, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा? ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में पढ़ा. जैसे फर्स्ट वन क्या था? दिन का ऑपोजिट क्या हो गया? रात. डे का ऑपोजिट नाइट. गर्म का ठंडा, हॉट का कोल्ड हो गया. हार्ड वन का वेरी स्ट्रॉन्ग, टफ. उसको ऑपोजिट क्या हो गया? सॉफ्ट, ना. सख्त का ऑपोजिट कोल्ड. फैट का ऑपोजिट फ्रिक्शन,
आपको तो बता दिया बिग मतलब बड़े कॉम्पोजिट छोटा बिग कॉम्पोजिट स्मॉल अब मतलब ऊपर कॉम्पोजिट नीचे दैट मींस डाउन राइट कॉम्पोजिट रॉन्ग दैट मींस सही कॉम्पोजिट राइट ठीक है बच्चों आई होप आप लोगों ने ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में अच्छे से समझा होगा ओके क्लास तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे तब तक आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करना ओके क्लास थैंक यू